जब भी हमें कोई परेशानी होती है तो हम मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं ताकि हमें शांति और सुकून मिल सके। हर कोई भगवान के मंदिर में आत्म शांति के लिए जाता है, लेकिन क्या आपने अभी तक ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जो खुद ही श्रापित हो? तो आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही मंदिर के बारे में बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, राजस्थान जिले के बाड़मेर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित किराड़ू गांव का एक मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। यहां स्थित मंदिर के नाम पर ही इस गाँव का नाम भी प्रख्यात हुआ। हर कोई इस मंदिर को ऐतिहासिक श्रापित मंदिर मानते हैं। मंदिर को लेकर यहाँ की कहानी इतनी प्रचलित है कि जो भी इस मंदिर के बारे में जानता है वह मंदिर से डर जाता है। कहा जाता है कि 11वीं शताब्दी के मध्य किराड़ू परमार वंश की राजधानी थी, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो वहाँ सिर्फ घनघोर सन्नाटा पसरा हुआ है। वहाँ के लोग मंदिर से जुड़ा श्राप और अपशकुन के बारे में कई तरह की बातें बताते हैं। कई व्यक्तियों की यह कहानी दिलचस्प लगती है तो कई व्यक्ति इस मंदिर में आने भी कतराते हैं। इस मंदिर की सबसे दिलचस्प और डरावनी बात मंदिर के बाहर रखा एक पत्थर है। कहा जाता है कि वह पत्थर एक कुम्हारीन है। एक ऋषि के श्राप के कारण कुम्हारीन वह पत्थर में परिवर्तित हो गई थी। इस डर की वजह से शाम होते ही वहां के मंदिर में घना सन्नाटा पसर जाता है। इस डर की वजह से वहां की खूबसूरत वास्तुकला को ढककर ताला लगा दिया जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर में प्रवेश करते ही इंसान पत्थर में तब्दील हो जाता है। जो भी शाम को इस मंदिर में रुकता है वो पत्थर बन जाता है। वहाँ के लोग कहते हैं कि मंदिर में जो भी पत्थर मौजूद है वह सब इंसान है जो पत्थर में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों, सिर्फ इस तरह के दो ही मंदिर सुरक्षित हैं। मंदिर की यह डरावनी बात हर किसी को हैरान कर देती है, जिसके चलते आज तक यहाँ पर कानूनी रूप से किसी भी तरह की जांच नहीं हो पाई। 19वीं शताब्दी में स्थान पर भूकंप आया था, जिस वजह से मंदिर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। भूकंप के कारण मंदिर को यहाँ के लोग छोड़कर चले गए थे। किराड़ू मंदिर वास्तुकला के नज़रिए से बेहद ही खूबसूरत है, जहाँ आसानी से लोग घूम सकते हैं। लेकिन लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियों के बाद किसी पर्यटक या निवासी की शाम होने के बाद मंदिर में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं होती। तो दोस्तों, आप भी अगर इस मंदिर के बारे में जानना है तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हो। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। उम्मीद करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। धन्यवाद।